स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गुर्जर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और दवाइयों के अभाव में हो रही कोरोना मरीजों की मौत को लेकर, साथ ही इंदौर में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला द्वारा आज इंदौर के अस्पतालों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अस्पताल में इलाजरत मरीज और परिजनों से चर्चा की। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जो कमी हो रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द बात कर निराकरण की बात की है। दरअसल इंदौर में नए कोरोना मरीजों के चलते इंदौर के अस्पतालों में बेड की कमी, दवाइयों की कमी, साथ ही स्टाफ की कमी के चलते हालत खराब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला इंदौर के गुर्जर हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मरीजों और परिजनों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिलहाल क्षमता से ज़्यादा पेशेंट अस्पतालों में भर्ती है और स्टाफ को आधा किया गया है। दरअसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले 150 से 165 मरीज इलाजरत हैं, जो बढ़कर आज 350 हो गए हैं। साथ ही अस्पतालों में स्टाफ को भी आधा कर दिया गया है, जिसके चलते परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि फिलहाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है और रेमडेसिविर वैक्सीन भी मौजूद है, फिर भी शहर में कोरोना की तेजी को देखते हुए जल्द से जल्द अस्पतालों में स्टाफ की संख्या बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा नर्स डॉक्टर को अस्पताल से आधा स्टाफ कर दिया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर नर्स स्टाफ बढ़ाएं, ताकि जो अराजकता फैल रही अस्पतालों में वह दूर हो सके। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर KMCH अस्पताल की स्थिति भी काफी गंभीर है। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि पिछली बार से अभी काफ़ी सुधार है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक है, वहीं मेन पावर की कमी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द नर्स डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ बढ़ाने की अस्पतालों में सुविधा प्रदान करें। पहले तो उनको निकाला क्यों गया, पेंडेमिक समाप्त तो हुआ नहीं था, जब पता था कि ये वापस परिस्थिति बनेगी तो निर्णय गलत था, ये शासन का था। दूसरी बात, चूंकि वापस आ गया है तो जितनी जल्दी उनको बुलाया जाए, आप उसके लिए हम 15 दिन का विज्ञापन देंगे, ये करेंगे, जब तक कई लोग मर जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आज आवश्यकता है सबसे पहले इस युद्ध में जीतने की, लड़ने की, तो इसके लिए सरकार जितनी जल्दी हो मैन पावर इसका भी जितनी जल्दी हो व्यवस्था करें।